नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। उपचुनावों में बड़े राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले, एमपी में शिवराज कायम। देश के 11 राज्यों में 58 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर पिछले हफ्ते हुए उपचुनावों के मंगलवार को नतीजे आ गए हैं। इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। सबकी नज़र मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों पर थी, जहां बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए 9 सीटों की जरूरत थी। यहां पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही एमपी में शिवराज सिंह चौहान का राज कायम बना हुआ है। वहीं गुजरात की कुल 8 सीटों में हर सीटें पार्टी ने अपने नाम की है। कुछ राज्यों को छोड़कर बीजेपी की जहां मौजूदगी अच्छी है, वहां उसे बड़ी जीत हासिल हुई है। एक बार उपचुनावों के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। 58 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 40 सीटें मिली हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही बीजेपी और राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति और मजबूत हो गई है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बरकरार रखने में कायम रहे हैं। कांग्रेस के खाते में यहां 9 सीटें आई हैं। मार्च में सिंधिया के साथ 22 कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां पर कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर गई थी, जिसके बाद शिवराज फिर सत्ता में आ गए थे। गुजरात में 8 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जहां बीजेपी को कुल 8 सीटों पर जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में भी 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला था, बीजेपी को इनमें से 6 सीटें मिली है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 125 सीटों पर जीत के बाद बहुमत के साथ जीत मिलने के साथ साथ उपचुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा पार्टी के अन्य नेताओं ने भी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।